नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, आप देख रहे हैं इस खबर टाइप टी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। अखिल भारतीय प्रधान संगठन जिला इकाई प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष चंद्रमणि यादव की अगुवाई में नवागत जिलाधिकारी संजीव रंजन से सोमवार को कलेक्ट्रेट में मिलकर बुके भेंट कर शिष्टाचार मुलाकात किया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के क्रम में मनरेगा योजना में 20 से अधिक श्रमिक नियोजन वाले स्थान पर प्रतिदिन श्रमिकों की मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से उपस्थित दो बार लेना सरासर गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क समस्या इसमें सबसे बड़ी बाधा आदि 5 सूत्रीय मांगों का मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी डीएम को सौंपा। जिलाध्यक्ष चंद्रमणि यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या काफी खराब होने के कारण मनरेगा कार्यस्थल पर मजदूरी की हाजिरी मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से नहीं हो पा रही है। सबसे पहले वाईफाई सुविधा से ग्राम पंचायतों को लैस करने के बाद ही उक्त योजना को लागू करें। ग्राम पंचायतों के साथ ही अन्य कार्यदायी संस्थाओं में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाए। ग्राम पंचायतों के साथ शासन सौतेला व्यवहार बंद करे। परिषदीय विद्यालयों का बिजली बिल भुगतान वैसी शिक्षा विभाग के कंपोजिट ग्रांट के धन से कराया जाए। ग्राम प्रधानों की सुरक्षा की दृष्टि से असलाह लाइसेंस अविलंब उपलब्ध कराया जाए, वरना अभप्रंश आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस दौरान जिला प्रभारी मुनिराम, जिला उपाध्यक्ष राजेश पासवान, जिला प्रवक्ता विजय यादव, ब्लॉक अध्यक्ष नौगर राम नरेश यादव, इंजीनियर प्रदीप चौधरी, कृष्ण मुरारी यादव, लौकुश राजवा समेत वीर बहादुर यादव, सुसागर यादव, चंद्रशेखर प्रसाद, दीपक सोनिया, मीना सुहेल, मीरा देवी, राजेंद्र यादव, मलखान यादव, ब्रिजलाल परसोनी आदि प्रधान मौजूद रहे। चंद्रमणि यादव, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन। क्या मामला जो जिला कार्यालय पे इतनी संख्या? हमारे तो सैकड़ों प्रधान आए थे यहाँ, पदाधिकारी और ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष, सभी लोगों ने तय किया कल कि हम लोग मिलकर के जिलाधिकारी का स्वागत करेंगे और अपनी समस्याओं को भी वहाँ कहेंगे, अवगत करा करके फिर आगे फिर अपना हम लोग रखेंगे कि आज स्वागत ही था। समस्याएं क्या थी? समस्या था जिसे मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन दिया गया उनको, जो मनरेगा के तहत काम हो रहे हैं उनमें मोबाइल मॉनिटरिंग रखा गया, जहां नेटवर्क नहीं रहता है, जब जिले पर नहीं रहता है गांव में नेटवर्क की समस्याएं हैं, इससे मास्टर लोग जीरो हो जाता है, विकास रुक जाता है, ये समस्या है। और सब आश्वासन क्या मिला? और उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, आपके ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री को भेज दिया जाएगा। मैं जिलाधिकारी से कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, अभी अभी तो पहला मुलाकात स्वागत हुआ, पूरी तरह संतुष्ट हैं।